क्या आप भी अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आइए जानते हैं कुछ पुराने ज्ञान और मनोविज्ञान की कुछ तकनीकों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदलने में मदद कर सकती हैं, वो भी सिर्फ ऑपोजिट काम करके। हम अक्सर खुद को नेगेटिव साइकिल्स में फंसा हुआ पाते हैं और बार बार सेम अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स दोहराते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन सबसे छुटकारा पाने का तरीका अनएक्सपेक्टेड काम करने में छुपा हो? अपनी पुरानी आदतों के विपरीत काम करके हम पॉजिटिव चेंज की एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और स्थायी बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसे स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस और प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल के गहन विचारों को एक्सप्लोर करता है। उनकी टीचिंग्स बुरी आदतों की चुनौतियों को समझने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए पावरफुल टूल्स प्रदान करती है। हम ट्राई द ऑपोजिट के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह सिंपल येट प्रोफाउंड आइडिया आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। तो तैयार हो जाइए खुद को जानने के सफर पर निकलने के लिए और ऑपोजिट काम करने की शक्ति का उपयोग करके अपनी असली क्षमता को उजागर करने के लिए। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में एपिक्टेटस और विक्टर फ्रैंकल का ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए एक अनमोल दिशा प्रदान करता है। एपिक्टेटस ने कहा कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं और बाकी को स्वीकार करना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी की खोज की जो लोगों को जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एपिक्टेटस और फ्रैंकल की शिक्षाएं मिलकर हमें बुरी आदतों को बदलने के लिए एक शक्तिशाली तालमेल प्रदान करती हैं। एपिक्टेटस, जो अपनी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने नेगेटिव पैटर्न्स से मुक्ति पाने के लिए एक सरल लेकिन गहन उपाय दिया। ट्राई द ऑपोजिट। यह सलाह हमें अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को चुनौती देने और वैकल्पिक व्यवहारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम खुद को एक ही जगह फंसा हुआ पाते हैं तो हमारा स्वाभाविक झुकाव होता है कि हम उसी फेमिलियर पाथ पर चलते रहे, भले ही वह हमें अवांछनीय परिणामों की ओर ले जाए। एपिक्टेटस हमें होशपूर्वक एक अलग रास्ता चुनकर इस साइकिल को तोड़ने के लिए चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको काम को टालने की आदत है तो उसे टालने के प्रलोभन में आने के बजाय उसे तुरंत करने की कोशिश करें। अपनी पुरानी आदतों के विपरीत होशपूर्वक कार्य करके हम नेगेटिव फीडबैक लूप को रोकते हैं और खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार करते हैं। यह साहस का छोटा सा कार्य गहरी जड़ें जमाए पैटर्न्स को तोड़ने और सकारात्मक बदलाव के लिए मार्ग प्रशस्त करने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकता है। विक्टर फ्रैंकल का पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का सिद्धांत हमें बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। इस तकनीक में हम अपने डर का जानबूझकर सामना करते हैं, वो भी उस काम को करके जिससे हम डरते हैं। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन हास्य और आत्म जागरूकता की शक्ति का उपयोग करके उस डर को दूर करता है जो हमें जकड़े हुए होता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप सामाजिक चिंता से जूझ रहे हैं और खुद को सामाजिक स्थितियों से दूर रख रहे हैं। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन आपको इस डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, वो भी जानबूझकर खुद को सामाजिक परिवेश में डालकर, भले ही यह आपको असहज लगे। खुद को होशपूर्वक उस स्थिति में डालकर जिससे आप डरते हैं, आप अपनी नकारात्मक उम्मीदों को चुनौती देते हैं और खुद को सकारात्मक अनुभवों की संभावना के लिए तैयार करते हैं। यह दृष्टिकोण उन आदतों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है जो चिंता या भय से प्रेरित होती है, क्योंकि यह परिहार और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। Disrupting unhealthy patterns, the science behind try the opposite. Try the opposite. और paradoxical intention की प्रभावशीलता neuroplasticity के विज्ञान में निहित है, जो कि हमारे मस्तिष्क की पूरी जिंदगी बदलने और अनुकूलित करने की अद्भुत क्षमता है। हमारे अनुभवों और व्यवहारों के आधार पर हमारा मस्तिष्क लगातार नए तंत्रिका कनेक्शन और मार्ग बनाता रहता है। जब हम बार बार एक ही काम करते हैं, जैसे कि बुरी आदतों से जुड़े हुए, तो ये तंत्रिका मार्ग मजबूत होते जाते हैं, जिससे हमारे लिए उन व्यवहारों को जारी रखना आसान हो जाता है। हालांकि जब हम नए अनुभव और व्यवहार शुरू करते हैं, जैसे कि अपनी पुरानी आदतों के विपरीत प्रयास करना, तो हम अपने मस्तिष्क को नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने के लिए मजबूर करते हैं। अपने मस्तिष्क को फिर से तार लगाने की यह प्रक्रिया शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकती है,
लेकिन दृढ़ता और दोहराव के साथ ये नए मार्ग मजबूत होते जाते हैं, जिससे पुराने पैटर्न से मुक्त होना और स्वस्थ आदतें स्थापित करना आसान हो जाता है। आदत निर्माण के पीछे के विज्ञान को समझकर हम अधिक जागरूकता और इरादे के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। कॉन्करिंग प्रोक्रेस्टिनेशन एक्शन ओवर इनएक्शन। टालमटोल, जो बहुत से लोगों के लिए एक आम समस्या है, ट्राई द ऑपोजिट की ताकत को दर्शाता है। जब हमें कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसे हम टालना चाहते हैं, तो हमारा स्वाभाविक झुकाव होता है कि हम उसे आगे बढ़ाएं, ध्यान भंग करें या बहाने खोजें। हालांकि यह केवल विलंब के चक्र को बढ़ावा देता है और हमारे तनाव के स्तर को बढ़ाता है। इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाकर निष्क्रियता के बजाय कार्य, हम इस अनुत्पादक पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं। टालमटोल करने के बजाय 15 मिनट जैसे कम समय के लिए टाइमर सेट करें और खुद को बिना किसी ध्यान भंग के उस काम पर काम करने के लिए समर्पित करें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि केंद्रित प्रयास के साथ आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। कार्रवाई करके, भले ही वह छोटे चरणों में ही क्यों ना हो, हम गति बनाते हैं और काम को छोटा करते जाते हैं, जिससे वह समय के साथ कम कठिन लगता है। याद रखें, कुंजी शुरू करना है, चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। मूवमेंट इज मेडिसिन। आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में सुस्त आदतों में पड़ना बहुत आसान है। हमारे शरीर गति के लिए बने हैं। हम मूवमेंट को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं। इसके लिए कठोर उपायों या महंगी जिम सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। साधारण बदलाव जैसे कि लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। स्थिरता के बजाय जानबूझकर गतिविधि का चयन करके हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। याद रखें, हर कदम मायने रखता है। अ लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड, सैराज जर्नी ऑफ एम्ब्रेसिंग द ऑपोजिट। सारा, जो एक युवा पेशेवर थी, ने खुद को नकारात्मक आत्मचर्चा और आत्म तोड़ फोड़ के चक्र में फंसा हुआ पाया। संदेह और असुरक्षा से परेशान वह विकास और संबंध के अवसरों से बचती रहती थी। हालांकि एपिक्टेटस और फ्रैंकल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सारा ने ट्राई द ऑपोजिट के सिद्धांत को अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती देकर शुरुआत की। आत्महीन भावना वाले विचारों को आत्म करुणा और प्रोत्साहन के अफर्मेशन से बदला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से बदलाव का उसके व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे वह खुद को ज्यादा स्वीकार करने लगी, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत मिली। वह एक पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप में शामिल हो गई, अपने निर्णय के डर के बावजूद, और सहयोगियों के साथ नेटवर्किंग शुरू कर दी, जिससे वह पहले बचती थी। आत्मसंदेह और परिहार के अपने पुराने पैटर्न के विपरीत लगातार चयन करके सारा ने अपनी जिंदगी बदल दी, अपनी क्षमता को उजागर किया और आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति की एक नई भावना पैदा की। द रिपल इफेक्ट, पॉजिटिव चेंज इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। विपरीत सिद्धांत को अपनाने की खूबसूरती न केवल विशिष्ट आदतों को बदलने की क्षमता में है, बल्कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर इसके रिपल इफेक्ट में भी है। जैसे जैसे हम नकारात्मक पैटर्न से मुक्त होते हैं और स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं, हम आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि का अनुभव करते हैं। यह अपने आप में नया विश्वास हमारी जिंदगी के अन्य पहलुओं में फैल जाता है। हमें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, नई चुनौतियों को स्वीकार करने और अधिक संतोषजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा, जैसे जैसे हम व्यायाम और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं, हम सकारात्मक बदलाव का एक सदाचारी चक्र बनाते हैं। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य से ऊर्जा और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जो बदले में हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाती है। अपनी भलाई में निवेश करके हम एक रिपल इफेक्ट पैदा करते हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और एक अधिक संतुलित, आनंदमय और सार्थक अस्तित्व की ओर ले जाता है। यू हैव द पावर, एम्ब्रेस द ऑपोजिट, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एपिक्टेटस और विक्टर फ्रैंकल की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने अतीत या अपनी आदतों के कैदी नहीं हैं। हमारे पास एक अलग रास्ता चुनने की, सीमित विश्वासों और व्यवहारों से मुक्त होने की और एक ऐसी जिंदगी बनाने की शक्ति है, जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाती हो। इसकी कुंजी है अप्रत्याशित को स्वीकार करना, अपनी मान्यताओं को चुनौती देना
और अपने पुराने पैटर्न के निर्देशों के विपरीत काम करने की हिम्मत करना। ट्राई दी ऑपोजिट और पैराडॉक्सिकल इंटेंशन के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम संभावनाओं की एक नई दुनिया को खोलते हैं। हम खुद को चुनौतियों से पार पाने, अपनी कथित सीमाओं से आगे बढ़ने और बड़े उद्देश्य और इरादे के साथ जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। याद रखें, बदलाव एक यात्रा है, मंजिल नहीं। खुद के साथ धैर्य रखें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी असली क्षमता को उजागर करने और उद्देश्य, आनंद और संतुष्टि से भरी जिंदगी बनाने के लिए विपरीत करने की परिवर्तनकारी शक्ति को कभी कम मत समझें। स्टार्ट टुडे, स्मॉल स्टेप्स फॉर लास्टिंग चेंज। विपरीत सिद्धांत को अपनाना शुरू करने के लिए आपको किसी भव्य संकेत या जीवन बदलने वाली घटना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे गहन परिवर्तन अक्सर छोटे लगातार किए गए कार्यों से शुरू होते हैं। एक आदत की पहचान करके शुरुआत करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और पता लगाएं कि आप ट्राई द ऑपोजिट के सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आप डिसीजंस पर ज्यादा सोचते हैं तो खुद को अपने मन पर भरोसा करने और कदम उठाने की चुनौती दें। अगर आप नेगेटिविटी से जूझते हैं तो कृतज्ञता और प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास करें। याद रखें, आप जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। यात्रा को स्वीकार करें, खुद के साथ दयालु रहें और अपनी असली क्षमता को उजागर करने और उद्देश्य, आनंद और संतुष्टि से भरी जिंदगी बनाने के लिए विपरीत करने की शक्ति को कभी कम मत समझें।